आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि नाम से ही दिखाई दे रहा है कि आज हम लोग झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं के संबंध में एक परिचर्चा देखेंगे। यह भाग तीन का वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग भाग एक और भाग दो को देख चुके हैं, जिसमें झारखंड राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं और उपयोजनाओं को वहां पर देखे थे। इन दोनों वीडियोस का लिंक आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। आप वहां से पीछे के दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम जनजातीय कल्याण योजनाओं को देखेंगे। इसमें सर्वप्रथम योजना है सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना। यह योजना 2020 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 5000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया था। आदर्श स्कूलों के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं योग सेंटर की स्थापना इस योजना के अंतर्गत की जानी है। इसके पश्चात है बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना। यह योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य क्या था कि विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना। इस योजना का जो लाभ है वह राज्य के लगभग 10,000 जनजातीय परिवारों को देने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। इस योजना के अंतर्गत इन विशिष्ट जनजातीय परिवारों के सदस्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपयोजनाओं का संचालन इसके अंतर्गत किया जा रहा है। आगे है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना। यह योजना 6 अप्रैल 2017 को प्रारंभ की गई थी। इसका मूल उद्देश्य था कि आदिम जनजातियों, झारखंड में 8 आदिम जनजातियां हैं, इन आदिम जनजातियों के समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण करना। इस योजना के अंतर्गत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा घर घर पहुंचाया जाएगा। और यह जो घर घर पहुंचाने का जो योजना है, यह डाकघर के डाकिया के माध्यम से इस चावल को प्रत्येक परिवारों को पहुंचाया जाएगा। इस योजना का लाभ वैसे आदिम जनजाति के लोगों को दिया जाएगा या परिवारों को दिया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न हो तथा औसत मासिक आय 1,000 रुपये से कम हो। आगे है आदिम जनजाति के लिए एक नई पेंशन योजना लॉन्च की गई थी 2015 में। इसका उद्देश्य था कि आदिम जनजाति समूह के वैसे परिवार के सदस्यों को लाभान्वित करना था जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। यह योजना इसके अतिरिक्त वह जो व्यक्ति होगा वह किसी सरकारी नौकरी, सरकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी नहीं करता हो, उन व्यक्तियों को इस पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जानी थी। तो इस योजना के अंतर्गत 600 रुपये की प्रति माह पेंशन की राशि भुगतान की जाएगी। आगे है लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना। इस योजना को 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था राज्य में लाह एवं लघु वनोपज का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण करना। इस योजना के तहत जनजातीय समुदायों से लाह एवं लघु वनोपज का न्यूनतम मूल्य पर सरकार के द्वारा क्रय किया जाएगा। इनके उत्पादों को जो क्रय करने वाली संस्था होगी वह होगी झास्को लैम्प्स एवं झाम कोफेड नामक दो एजेंसियों के द्वारा इन उत्पादों का क्रय किया जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण है कि इस योजना की कुल राशि का 75% वित्तीयन जो होगा केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा एवं शेष 25% का वित्तीयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है। आगे है गरीब कल्याण योजना।
इसमें पहली योजना है गुरुजी किचन योजना। यह 2021-22 वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में चलाए जा रहे विभिन्न दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त भोजन में विविधता, गुणवत्ता एवं स्वच्छता को बेहतर करने के उद्देश्य से नए भोजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके पश्चात है सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना। यह 2020 में प्रारंभ की गई थी योजना। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्रों को धोती या लुंगी एवं साड़ी प्रति परिवार वितरित की जाएगी। यानी केवल वही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे के अंतर्गत आते हैं। अगली योजना है दीदी बाड़ी योजना। यह योजना भी 2020 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य से कुपोषण की समस्या को समाप्त करना। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य में कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए किस योजना को चलाया जा रहा है, तो वह है दीदी बाड़ी योजना। आगे है मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना। इस योजना को भी 2020 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य था कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा प्रतिदिन लगभग 4,00,000 लोगों को 2 वक्त का भोजन मुफ्त उपलब्ध करवाया जाना है। आगे है मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था कोरोना वायरस से उत्पन्न विकट घड़ी में राज्य के गरीब निवासियों को क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर 1,000 रुपये तथा राज्य के बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों को 2,000 की राशि हस्तांतरित करने हेतु राज्य के सभी विधायकों को अधिकतम 25,00,000 रुपये व्यय करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ प्रश्न हो सकता है मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के अंतर्गत राज्य के सभी विधायकों को अधिकतम कितने लाख रुपये व्यय करने का अधिकार दिया गया है, तो उत्तर होगा 25,00,000 रुपये। आगे है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। यह योजना 15 नवंबर 2011 को लॉन्च की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य था कि बीपीएल के नीचे जीवन यापन कर रहे गरीब परिवारों की बालिकाओं का लालन पालन एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी के अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। यानी लाभार्थी के 2 बच्चों को ही इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाना था। आगे है कि योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की विवाह की जो न्यूनतम आयु होगी वह 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि 18 वर्ष से पूर्व कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह कर देता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने तथा उसकी पढ़ाई पर विराम भी नहीं लगना चाहिए। यानी इसका मूल उद्देश्य था महिला शिक्षा एवं सरकार एवं स्कूलों से लड़कियों के ड्रॉपआउट की दर को कम करना। आगे है महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। पहला है समर अभियान। यह अभियान 2021 को प्रारंभ किया गया था। इसका पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। यानी महिलाओं में माल न्यूट्रिशन या कुपोषण और एनीमिया की समस्या को कम करना। इसका उद्देश्य क्या था, तो रांची के बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करना। आगे है पलाश ब्रांड 2020 में इसे प्रारंभ किया गया था। इस योजना का जो मूल उद्देश्य था तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सखी मंडल की महिलाओं के द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों को पलाश ब्रांड के माध्यम से बाजार से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। आगे है
फूलो जानो आशीर्वाद योजना। यह योजना भी 2020 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य था कि हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना। आगे है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। यह योजना 24 जनवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। इसका शुभारंभ राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चाईवासा से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य है बालिका ड्रॉपआउट दर को कम करना तथा मातृत्व मृत्यु दर को न्यूनतम करना। यह दोनों ही इस योजना का मूल उद्देश्य था। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों जिनकी आय 72,000 रुपये वार्षिक से कम हो को 7 चरणों में 40,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिनकी आय 72,000 रुपये वार्षिक से कम हो उन्हें 7 चरणों में 40,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बेटी की मां के खाते में, यह भी महत्वपूर्ण है कि महिला के खाते में इस योजना के अंतर्गत जो राशि प्रदान की जाएगी वह राशि महिला के खाते में जमा की जाएगी, न कि पुरुष या पिता के खाते में। तो बेटी के जन्म के साथ ही 5,000 रुपये की राशि उस बेटी की मां के खाते में जमा कर दी जाएगी। वहीं अन्य है कि कक्षा 1, 5, 8वीं एवं 18 वर्ष की होने तक बालिका के विवाह होने पर भी सरकार 30,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत इस योजना के तहत मां के खाते में जमा करेगी। आगे है उद्यमी सखी मंडल योजना। इस योजना का प्रारंभ 2017 में किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। आगे है मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना। यह योजना 27 अगस्त 2017 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना। आगे है महिला अचल संपत्ति योजना 2017। इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो महिला सशक्तिकरण करना। आगे है कि इस योजना के तहत महिला के नाम से 50 लाख तक की अचल संपत्ति का क्रय करने पर संपत्ति निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में केवल 1 रुपये की धनराशि का भुगतान करना होता था। आगे है इस प्रकार की योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य था। आगे है तेजस्विनी योजना। 8 मार्च 2017 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना ताकि वह दूसरों के ऊपर आश्रित न रह सकें। वहीं इस योजना के अंतर्गत 14 से 25 वर्ष की किशोरियों एवं महिलाओं को उनके कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आगे है संजीवनी योजना। इस योजना का भी मूल उद्देश्य क्या था? महिलाओं का सशक्तिकरण करना ताकि महिलाएं अपनी आजीविका की सुविधा या आजीविका उपलब्ध कर सकें तथा वो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना इस योजना के तहत यह महिलाओं के लिए किया गया था। आगे है मेरी बेटी मेरी पहचान। यह 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना। इस योजना की शुरुआत जमशेदपुर के तिरिंग गांव से की गई थी। इस योजना के तहत गांव के सभी घर के दरवाजे पर घर की बेटी की नेम प्लेट लगाकर घरों में रहने वाले बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की पहल की गई थी। नेम प्लेट में बेटी के साथ उसकी मां का भी नाम लिखा गया था। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं।
तो पहली है शहरी वानिकी योजना। यह योजना 2021-22 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य था शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण तथा शहर में पार्कों का विकास करके शहरी क्षेत्रों को हरा भरा करना तथा आमजनों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराना है। आगे है मुख्यमंत्री जनवन योजना। यह योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसका मूल उद्देश्य था पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्य उद्देश्य भी थे, जैसे वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल का संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना। इसके अतिरिक्त है कि किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय को बढ़ाना तथा राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ावा देना। यानी मूल रूप से यह पर्यावरण से संबंधित योजनाएं थी, जहां पर्यावरण के साथ साथ सतत विकास को भी शामिल किया गया था। यानी बिना पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाकर हम अपनी आजीविका को सुरक्षित कर पाए। इस योजना के तहत लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। योजना के लागू होते समय सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाता था, जिसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जनवन योजना के अंतर्गत सफल वृक्षारोपण में प्रोत्साहन राशि का कितना प्रतिशत सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो वर्तमान में यह लागत का 75% है। आगे है झारखंड सरकार इस प्रकार की योजना को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। आगे है मुखबिर योजना। इस योजना का मूल उद्देश्य था कि बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना तथा बाल विवाह की सही सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान करना। अगली योजना है बाल गरीब समृद्धि योजना। इस योजना का मूल उद्देश्य था भूख बीमारी उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति प्रदान करना तथा इस योजना के तहत बाल सुधार गृह में बच्चों को कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा इस योजना के अंतर्गत ही किशोर न्याय के मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुलझाने की भी व्यवस्था की गई है। आगे है पशुओं के लिए UID नंबर योजना। यह योजना 2017 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था मवेशियों की पहचान करना। इस योजना के तहत राज्य के गायों को 12 अंक का एक यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा। यह कोड जो है गायों के कान के पास UID नंबर लगा दिया जाएगा तथा इस कोड के अंतर्गत या UID नंबर के साथ में पशु की उम्र क्या है, उनका लिंग क्या है, ऊंचाई क्या है, वजन क्या है, रंग सींग का प्रकार, पूंछ का आकार प्रकार आदि की भी डिटेल्स इस UID नंबर के अंतर्गत रखा जाएगा। आगे है श्रमिक पेंशन योजना। यह योजना 2017 ईस्वी में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था श्रमिकों की पेंशन को सुनिश्चित करना। इसके तहत राज्य के श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी, जिसे 1 मई 2017, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है, ध्यान रखिएगा, 1 मई 2017 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत परिवार के पेंशन की राशि को भी 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। आगे है सरस्वती योजना। यह योजना 2014 में प्रारंभ की गई थी। इसका मूल उद्देश्य था कि विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 5000 रुपये के साथ सरकार एक बैंक खाता खोलेगी और इसके तहत सरकार अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 5000 रुपये की राशि जमा करेगी।
इस योजना के तहत जो राशि जमा होगी उसका प्रयोग बालिका की शिक्षा या उसके विवाह के लिए श्रमिक परिवारों के द्वारा किया जाएगा। आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त होती रहे, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। तब तक के लिए आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।